हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपके लिए ढूंढ के लाती हूं ताकि आपको उसका पूरा एक्सप्लेन भी कर सकूं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े कि सिर्फ आपके पास आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। द लिम्फैटिक फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग ड्रेन इनटू, कौन से लिम्फ नोड हैं जो टिप ऑफ द टंग को लिम्फेटिक ड्रेनेज देते हैं? तो इसका आंसर है जो टिप पे होते हैं वो होते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड, जो हैं वो टिप पे देते हैं। जो लेटरल साइड होती है, ये है लेटरल साइड, तो इनको देते हैं सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड। पोस्टीरियर पार्ट में देते हैं इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, और जो रूट ऑफ द टंग होती है उसको देते हैं सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो इसका आंसर क्या होगा, टिप ऑफ द टंग पे कौन से लिम्फ नोड सप्लाई करते हैं? तो सब मेंटल लिम्फ नोड जो है वो टिप ऑफ द टंग को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, तो कौन सी ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की, इनमें से कौन सी ब्रांच है? तो मैक्सिलरी नर्व जो है वो ट्राइजेमाइनल नर्व से जाती है, वो उसकी ब्रांच होती है ट्राइजेमाइनल नर्व की, जो कि ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से मैक्सिलरी नर्व निकलती है। तो जो मैक्सिलरी नर्व होती है उसके तीन ब्रांचेस होती हैं, जाइगोमैटिक नर्व, ये है जाइगोमैटिक नर्व। नेक्स्ट होती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जो कि ये है, और थर्ड होती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। जो जाइगोमेटिकल नर्व होती है वो जाइगोमेटिक को, उसकी दो ब्रांचेज होती है, जाइगोमेटिक को टेम्पोरल और जाइगोमेटिक को फेशियल। जो नेक्स्ट होती है इंफ्रा ऑर्बिटल, उसकी पांच ब्रांचेज होती हैं, पैल्पेब्रल ब्रांच, नेजल ब्रांच, लेबियल ब्रांच, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। और मैक्सिलरी की थर्ड ब्रांच कौन सी होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। तो ये आपको याद हो चुका होगा कि मैक्सिलरी नर्व की थ्री ब्रांचेज होती हैं, जाइगोमैटिक नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। बाकी उसकी जो और ब्रांचेस होती हैं, ओके, तो तीन मेन ब्रांचेस होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जाइगोमैटिको टेम्पोरल इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जाइगोमैटिको टेम्पोरल इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, कौन सी नर्व है जो पोस्टीरियर वन थर्ड को टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करती है, कौन सी नर्व, ठीक है। तो मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी कि जो एंटीरियर टू थर्ड को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 7, यानी कि जो की होती है फेशियल नर्व। फिर पोस्टीरियर वन थर्ड को कौन सा अप्लाई करता है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि जो रूट वाला पार्ट होता है, उसे सप्लाई करता है वेगस नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पार्ट था उसको किसने दिया, फेशियल नर्व ने। जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट था उसको दिया ग्लॉसोफेरेंजियल ने। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट था या रूट वाला जो पार्ट होता है टंग का, उसे कौन सप्लाई करता है, वेगस नर्व, ओके। तो इसका आंसर होगा पोस्टीरियर वन थर्ड की अपन बात कर रहे हैं तो उसे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, यानी कि 9 नंबर की नर्व सप्लाई करेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल असिस्ट द एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, तो कौन सी मसल है जो मैंडिबल के एलिवेशन में काम करती है। एलिवेशन मीन्स क्लोज ऑफ द माउथ और डिप्रेशन मीन्स ओपन द माउथ। तो ये है, पहले तो ये पता होना चाहिए मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन सी होती है, टेम्पोरेलिस, मैसेटर, लेटरल टेरिकॉइड और मीडियल टेरिकॉइड। तो मैं आपके चारों के आपको उनके काम बताऊंगी। तो जो टेम्पोरेलिस और मैसेटर हैं वो दोनों एलिवेट करते हैं मैंडिबल को, यानी कि क्लोज करते हैं माउथ को, ओके। और जो लेटरल टेरिकॉइड होते हैं वो डिप्रेस करता है, ठीक है, यानी कि ओपन करता है माउथ को। और जो मीडियल टेरिकॉइड है वो ग्राइंडिंग मोशन कराता है, यानी कि
च्यूइंग में हेल्प कराता है, यानी साइड टू साइड मूवमेंट करवाता है। ओके, तो लेटरल टेरिकॉइड क्या करवाता है? डिप्रेशन ऑफ द चिन। तो जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में है, मैंने बताया कि टेम्पोरलिस और मैसेटर जो है वो एलिवेट करवाती है मैंडिबल को, और एक और मसल है जो कि मीडियल टेरिकॉइड। मीडियल टेरिकॉइड जो है वो ग्राइंडिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें भी माउथ क्लोज होता है ग्राइंडिंग मूवमेंट में, है ना। तो इसलिए एलिवेशन का काम कौन कौन करेगा? टेम्पोरलिस, मैसेटर एंड मीडियल टेरिकॉइड। मोस्टली टेम्पोरलिस एंड जो मीडियल टेरिकॉइड है वो एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसरी रूट ऑफ द फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व है अराइज होती है टू डिवीजन से, मोटर रूट एंड स्मॉलर सेंसरी रूट। जो सेंसरी रूट होती है स्मॉलर होती है उसका नाम होता है नर्वस इंटरमीडियस। तो सेंसरी रूट ऑफ द फेशियल नर्व को क्या बोलते हैं? नर्वस इंटरमीडियस, जो कि पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। कौन सी ड्रग है जो हाइपोकैल्सीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं लूप डायोरेटिक्स एंड फेनिटोइन्स। अगर लूप डायोरेटिक्स ऑप्शंस में दिए हुए हों तो पहला आपको वही टिक करना है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे लूप डायोरेटिक्स में? फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटाडेंडाई, टोसेमाइड, ये सब जो है वो लूप डायरेटिक्स हैं, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसलिए अपन फेनिटोइन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द ड्रग कॉजिंग हाइपोकैल्सीमिया। ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से साइड इफेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के? ओके, तो ये है स्टेरॉइड्स के सारे साइड इफेक्ट्स, जिसमें से मायोपैथी, ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, ये सब साइड इफेक्ट जो है वो स्टेरॉइड्स के होते हैं। एक्सेप्शन है डायरिया, डायरिया इसमें नहीं होता है। तो इसमें इसका आपको निमोनिक दिया हुआ है हाई कॉम्पैक्ट इम्प्स, तो जो है इम्पॉर्टेंस है हाई कॉम्पैक्ट। तो उसमें ऑप्शन है हाइपरटेंशन, इम्यूनोसप्रेशन, तो ये जो है आप पूरे ऑप्शन जो है वो याद कर सकते हैं, उसमें आपको डायरिया कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये इसका एक्सेप्शन है, और बाकी जो है सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिनेफ्रिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। इपिनेफ्रिन सभी कुछ करवाता है, यानी कि इपिनेफ्रिन करवाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड लैक्टेट को बढ़ा देता है, फ्री फैटी एसिड को बढ़ा देता है, लेकिन उसका ट्राइग्लिसराइड के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो कुछ भी नहीं करता, इसलिए इसका ये एक्सेप्शन होगा कि इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड। तो इपिनेफ्रिन ट्राइग्लिसराइड के साथ कुछ भी नहीं करवाता है, बाकी चीज़ों को वो बढ़ा देता है, फैटी एसिड को, ब्लड लैक्टेट को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो इसका आंसर होगा इपिनेफ्रिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक। तो जो लोकल एनेस्थेटिक है वो दो टाइप के होते हैं, ईस्टर लिंक एंड अमाइड लिंक। तो जो ये होता है क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ईस्टर लिंक में आते हैं प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन और कोकेन। तो ईस्टर लिंक में बेंजोकेन आता है, तो इसका आंसर होगा ईस्टर लिंक एनेस्थेटिक है बेंजोकेन। और अमाइड लिंक में आपको याद करना है लिडोकेन, प्राइलोकेन, इटिडोकेन, मैपीविकेन, ब्यूपीविकेन, ट्रोपीविकेन, आर्टिकेन एंड डाइब्यूकेन। पर अपन को पूछा गया है ईस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक कौन से हैं, तो अपन को टिक करना होगा बेंजोकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेपेरिन एंटागोनिस्ट। यानी कि कौन सा इनमें से है जो हेपेरिन के काम को रोकता है? हेपेरिन क्या होता है? वो ब्लड को लूज करवा देता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटामीन सल्फेट। प्रोटामीन सल्फेट जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, तो किसके इफेक्ट को कम करने के लिए? हेपेरिन के इफेक्ट को कम करने के लिए। कब किया दिया जाता है? बिफोर एंड आफ्टर हार्ट सर्जरी या डायलिसिस में, क्योंकि इनके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इसलिए अपन को क्या यूज़ करना पड़ता है? प्रोटामीन सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट अस्थमा इज ट्रीटेड विद। तो एक्यूट अस्थमा जो है वो किससे ट्रीट किया जाता है? एक्यूट अस्थमा जो है वो सॉल्ब्यूटामॉल से ट्रीटेड किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक्यूट अस्थमा के लिए क्या होता है? इनहेल सॉल्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, जो कि कौन से हैं? सॉल्ब्यूटामॉल। क्यों करते हैं? क्योंकि इट गिव्स क्विक रिलीफ।
ठीक है, ये याद रखना आप सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो एक्यूट अस्थमा में यूज़ करते हैं, और जो थियोफाइलिन है वो भी यूज़ करते हैं कई जगह, लेकिन मोस्टली यूज़ करते हैं COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में आपको कौन सा यूज़ करना है, थियोफाइलिन, जबकि जो एक्यूट में करते हैं वो है सॉल्ब्यूटामॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिज़िकल डिपेंडेंस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, फिज़िकल डिपेंडेंस जो है वो किसके मतलब किस कौन सी चीज़ है जिसके कारण प्रोड्यूस हो जाती है फिज़िकल डिपेंडेंस। ओके, तो फिज़िकल डिपेंडेंस यानी होता क्या है, फिज़िकल डिपेंडेंस जो होता है क्रोनिक डिपेंडेंस यानी बहुत ज़्यादा आप किसी मेडिकेशन को आप लेते जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली उस मेडिकेशन के यूज़ टू हो जाते हो तो आपको बस वो लगता है कि वो लेना ही लेना है, तो उस यूज़ टू की जो होती है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्चुअली अपन उस मेडिकेशन पे, उस पर मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं फिज़िकल डिपेंडेंसी। तो जैसे कि कुछ लोग ड्रग्स के भी एडिक्टेड हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, जैसे कि इसमें आता है कोकेन, तो फिज़िकल डिपेंडेंसी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनमें से कौन से किससे होती है, कोकेन। एक्सक्यूज मी, द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबल, तो वीकेस्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबल कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, तो अगर देखा जाए डेंचुलस में देखा जाए तो नेक ऑफ द मैंडिबल जो है वो फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, लेकिन अगर डेंचुलस पेशेंट में देखा जाए तो मोलार रीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग, तो साइकोट्रॉपिक ड्रग के एंडोक्राइनल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर है गायनेकोमेस्ट्रिया एंड गैलेक्टोरोया, दोनों जो हैं बोथ ऑफ द वर्ब जो हैं दोनों जो हैं वो साइकोट्रॉपिक ड्रग के एंडोक्राइनल साइड इफ़ेक्ट हैं। अब गायनेकोमेस्ट्रिया होता क्या है, उसमें क्या होता है कि जो दोनों ब्रेस्ट हैं वो एनलार्ज्ड हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। ओके, और गैलेक्टोरोया में क्या होता है कि उसमें मतलब अनएक्सपेक्टेडली मिल्क डिस्चार्ज होता है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ओके, तो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट साइकोट्रॉपिक ड्रग के दोनों हैं, गैलेक्टोरोया और गायनेकोमेस्ट्रिया, दोनों जो हैं वो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट है साइकोट्रॉपिक ड्रग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है मोस्टली, तो जो है सबसे ज़्यादा डायज़ेपाम जो है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फेब्राइल सीजर। ओके, मोस्टली क्या देते हैं, रेक्टल करवाते हैं डायज़ेपाम को। ओके, तो रेक्टल में कितना लेना है, 0.5 mg पर kg, और अगर बकली करवा रहे हैं आपको इंसर्ट तो 0.4 to 0.5 mg पर kg लेंगे, और इंट्रानीजल अगर इंट्रानीजल देना है तो सिर्फ 0.2 mg पर kg मेडाजोलम आप एडमिनिस्टर करेंगे इन फेब्राइल सीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप इन अ पेशेंट विद टर्नर सिंड्रोम, तो जो जीनोटाइप है टर्नर सिंड्रोम में कैसा हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या फीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली क्या होता है, ये इफेक्ट करता है किसको, फीमेल को। ओके, ये फीमेल को अफेक्ट करता है, और जैसे फीमेल में दो क्रोमोसोम्स होते हैं XX, तो उसमें से क्या होता है कि एक एक्स जो है वो मिसिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण जब वो मिसिंग हो जाएगा तो उससे बहुत सारे मेडिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि हाई शॉर्ट हाइट होना, फेलर ऑफ ओवरीज, ये सब जो चीज़ें हैं, हार्ट डिफेक्ट, ये सब चीज़ें टर्नर सिंड्रोम में कॉमन होती हैं। और उसमें जीनोटाइप क्या होगा इसका, 44A+X यहाँ पे मिसिंग है, इसका आंसर यही होगा, पर इसमें ए मिसिंग है, तो ए क्या होता है जिसमें ऑटोसोम होता है, तो जीनोटाइप इन अ पेशेंट विद टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, 45AXO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्रा ओरल नेवाई, तो जो इंट्रा ओरल नेवाई जो है वो कहाँ मिलता है, हार्ट पैलेट में। नेवाई होता क्या है, तो नेवाई जो है वो एक पिगमेंटेड लीजन होता है ब्लूइश ब्लैक कलर का, जो कि होता है हार्ड पैलेट में मोस्टली मिलता है, और नेक्स्ट उसका जो कॉमन साइट होगा वो होगा बक्कल म्यूकोसा। ओके,
पहला क्या होगा, हार्ट पैलेट, देन होगा बक्कल म्यूकोसा। तो इसका आंसर होगा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एंट्रोरल नेवा इज हार्ट पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन पोटेंशियली मैलिग्नेंट स्टेट ऑफ ओरल म्यूकोसा। तो सबसे ज़्यादा मतलब पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ओरल म्यूकोसा का कौन सा होगा, तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया इज अमंगेस्ट द मोस्ट कॉमन पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ द ओरल म्यूकोसा। द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म की बात करें, ये था पोटेंशियली मैलिग्नेंट की, और अगर नियोप्लाज्म की बात करें तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द कॉमन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द ओरल कैविटी। और उसका रीज़न क्या होता है, टोबैको एंड अल्कोहल के बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द ओरल कैविटी, जो कि किसके कारण होता है, टोबैको एंड अल्कोहल के बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण। ओके, मोस्टली ये कहाँ पे दिखता है, वेंट्रल और लेटरल सरफेस ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड सॉफ्ट पैलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइरप्टेड टीथ इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ। अनइरप्टेड टीथ में सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्मिटी वो दिखती है वो कौन सी होती है, डेंटिजरस सिस्ट दिखती है। उसमें क्या होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुका है, जिसे फॉलिकुलर सिस्ट या पेरिकोरोनल सिस्ट बोलते हैं, जो कि अनइरप्टेड टूथ के क्राउन के ऊपर, मतलब एक क्राउन के ऊपर पूरा सिस्ट बन जाता है। ओके, ये अनइरप्टेड टूथ में दिखाई देती है। तो अनइरप्टेड टूथ इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ डेंटिजरस सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर इज आइडियली डन इन। तो क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर जो है वो कब से कब तक होता है, 7 to 18 months में, यानी कि बहुत सारी जगह लिखा हुआ है 6 to 12 months, तो 18 months भी इज़ द कॉमन होगा, क्योंकि वो 6 से 7 to 18 months है। तो क्लेफ्ट रिपेयर कब होता है, 7 to 18 months में इसका आंसर होगा। और अगर क्लेफ्ट लिप पूछा हो जाता तो उसका होता 3 to 6 months में क्लेफ्ट लिप रिपेयर किया जाता है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है क्लेफ्ट लिप रिपेयर के बारे में, तो आप लास्ट वीडियो में जाके उसे चेक कर सकते हैं। डेंटिजरस भी लास्ट वीडियो का ही क्वेश्चन था, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस लास्ट वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन था। तो अगर आप लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ वॉच देयर। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड बोन इन फ्रैक्चर ऑफ द फेस। तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोन फ्रैक्चर, फेस के फ्रैक्चर में इन्वॉल्व होती है, तो इसका आंसर है नेजल बोन। नेजल बोन क्यों, क्योंकि दिस इन द नोज इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर, इसलिए ये कॉमनली फ्रैक्चर्ड हो जाती है। तो इसका आंसर होगा नेजल बोन इज़ द कॉमनली इन्वॉल्व बोन इन द फ्रैक्चर ऑफ द फेस। एंड नेक्स्ट कौन सी होगी, मैंडिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्सिनोमा ऑफ द लोअर एल्वियोलर रिज अकर अराउंड द, तो लोअर एल्वियोलर रिज में कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कौन से साइट पे होता है, तो इसका आंसर है प्रीमोलर रीजन। प्रीमोलर रीजन में सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवरी स्टोन्स अकर्स मोस्ट कॉमनली इन। तो सलाइवरी स्टोन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिखते हैं, सबमैंडिबुलर में, सबमैंडिबुलर रीजन में सबसे ज़्यादा दिखते हैं। ओके, तो 80 to 90% सलाइवरी कैलकुलाई या सलाइवरी स्टोन अकर इन सबमैंडिबुलर ग्लैंड, 10 to 20% दिखेंगे पैरोटिड ग्लैंड में, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1% दिखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड में। ठीक है, तो उस और इसके रीज़न क्या होता है, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन, ये सब उसके रीजंस होते हैं, तो इसलिए वेल डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो सलाइवरी स्टोन किस में दिखेगा, सबमैंडिबुलर रीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स स्टोन मोन्स एंड गोन्स किससे रिलेटेड होते हैं। तो जो बोन स्टोन मोन्स एंड ग्रोन्स रिलेटेड टू होते हैं,
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ओ सॉरी, इसका आंसर होगा हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म। बोन स्टोन, मोन्स एंड ग्रोन किससे रिलेटेड होते हैं? हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म के साइंस हैं ये। तो इसमें होती है पेनफुल बोन्स हो जाते हैं, रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, एब्डोमिनल एब्डोमिन एब्डोमिनल गोन्स ग्रोन्स हो जाते हैं और साइकियाट्रिक मोन्स होते हैं। ओके, तो ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के साइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूचर दैट मेंटेन स्ट्रेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। कौन सा सूचर है जो बहुत टाइम तक स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है? तो इसका आंसर है पॉलीडायोक्सोन। ठीक है, पॉलीडायोक्सोन द सूचर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखता है। सूचर दैट मेंटेन स्ट्रेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज द पॉलीडायोक्सोन। तो ये सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। ओके, एंड ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन बाय द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और ये कब तक रहता है? 6 मंथ पीरियड तक। ओके, 6 मंथ पीरियड मतलब कि 180 डेज। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में आपको 180 डेज या 6 मंथ के लिए भी बताए कि कौन सा सूचर जो है वो इतने दिन के लिए, इतने इतने डेज के लिए स्ट्रेंथ मेंटेन करता है। तो उसमें आपको पॉलीडायोक्सिन डायोक्सोन आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के रिक्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द लिवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव, है ना? तो विटामिन के जो है वो इज द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो विटामिन के जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो कि हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन में। ठीक है, विटामिन के को और क्या भी बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक फैक्टर या फाइलोक्विनोन। ठीक है, दोनों बोलते हैं। तो विटामिन के रिक्वायर्ड होता है क्यों? लिवर में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइटेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर इन आर्टीरियल रिफ्लेक्सली कॉजेज। तो जो है एक्साइटेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर्स, तो बैरोरिसेप्टर्स के एक्साइटेशन के कारण क्या हो जाता है? तो एक्साइटेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर जो है वो हाई हो जाता है प्रेशर में आर्टरी के, जिसके कारण आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ वो डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो एक्साइटेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर क्या क्या करवाते हैं? ये दोनों को डिक्रीज करवा देता है। ओके, हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या था कि बैरोरिसेप्टर का जो एक्साइटेशन के कारण क्या क्या हो जाता है? आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका आंसर होगा आर्टीरियल प्रेशर टू डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। तो कार्डियक आउटपुट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट के लिए फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके, क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Thanks for watching.